शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में 25 फरवरी से शुरू होने जा रहे मुमुक्षु महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को मुमुक्षु आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता व पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बार मुमुक्षु महोत्सव संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय में चल रही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार महोत्सव का आयोजन पंडाल में न करके प्रेक्षागृह में किया जाएगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि चाहे महबूबा मुफ्ती की बात हो, चाहे फारूक की बात हो, हमने समय समय पर वहाँ के राजनीतिक संगठनों से संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के राजनीतिक संगठन चाहे वो मुफ्ती के नेतृत्व में हो या फारूक के नेतृत्व में हो, हमेशा अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े रहे। मैं समझता हूँ वो पीओके जो नेहरू की गलती से हमारे हाथ से निकल गया, जैसे हम पीओके बोलते हैं वैसे पाकिस्तानी बीओके भारत अधिग्रहित कश्मीर बोलते हैं। तीन बार ऐसे अवसर आए जब हमारी सेनाओं ने इस झगड़े को खत्म करने के हालात पैदा किए, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकारों ने समझौते के रास्ते से उनको फिर वापस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ, लेकिन भारत के जन्म के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो ये एक स्थापित सिद्धांत है। जो पैदा हुआ है उसका अंत ही होता है। पाकिस्तान की टुकड़े होंगे और भारत दक्षिण एशिया में समग्र राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। धारा 370 तथा 35A पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतिगत रूप से जब चुनाव के 6 महीने रह जाते हैं, उस स्थिति में किसी भी सरकार को ये निजात इसलिए यह राय जो पब्लिक से निकल के आ रही है, पब्लिक की आवाज़ आ रही है, इस पर अमल करने के लिए हमें सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जिस तरह से धारा 370 और 35A का प्रावधान संविधान में किया गया, करने वालों ने सोचा ही नहीं था कि इसको इतनी जटिल बनाने की ज़रूरत है। आज लोकसभा की 2/3, राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा हम धारा 370 को या 35A को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो कदम तब होगी जब देश की तमाम विधानसभाओं के द्वारा भी 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाए और उसका समर्थन किया जाए। आज देश की तमाम विधानसभाओं की स्थिति और केंद्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए धारा 370 पर कोई निर्णय लेने का उपयुक्त तो समय नहीं दिख रहा है और ऐसा लाइट नहीं दिख रहा है कि हम ऐसा कुछ कर पाए। रहा है कि हमने चाहे मुफ्ती की बात हो, चाहे उसके पहले फारूक की बात रही हो, हमने समय समय पर वहाँ के राजनीतिक संगठनों से संबंध सुधारने की कोशिश की और उनको सरकार उनके साथ सरकार में शामिल होने का साहस किया कि शायद वे समस्या के समाधान में हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन हर बात चूक हुई और वहाँ के राजनीतिक संगठन, चाहे वो मुफ्ती के नेतृत्व में हो, चाहे उमर फारूक के नेतृत्व में हो, ये सब हमेशा अलगाववादी ताकतों के साथ ही खड़े रहे। मैं तो समझता हूँ कि वो पीओके जो नेहरू की गलती से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से हमारे हाथ से निकल गया। आज भी जानते हैं पाकिस्तान क्या बोला जाता है, जैसे हम उस इलाके पीओके बोलते हैं वैसे कश्मीर को वो बीओके बोलते हैं, भारत अधिकृत कश्मीर। इस तरह की बातें जो बोली जा रही हैं उनको समाप्त करने का तरीका, 3 बार ऐसे अवसर आए जब हमारी सेनाओं ने इस झगड़े को ख़त्म करने की हालात पैदा किए, लेकिन केंद्र में बैठे हुए ऐसी सरकारों ने समझौते के रास्ते से उनको फिर वापस कर दिया। अब वो समझौते के रास्ते बंद हैं। अगर हमारी सेना बढ़कर पीओके पर कब्जा करती है और कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाने में अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करती है, तो निश्चित ही इसके परिणाम, मुझे तो लगता है कि अभी अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय में एक परिचर्चा आयोजित थी, उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार मौजूद थे। इंद्रेश कुमार ने एक संस्मरण का उल्लेख किया, उन्होंने कहा मैंने मुस्लिम मौलवियों से, उनके नेताओं से पूछा कि भाई पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, कहा 14 अगस्त 1947 हुआ, और कहा हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ,
कहा हिंदुस्तान का जन्म को कब हुआ इसको कोई बता ही नहीं सकता। और एक स्थापित सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण कहा था जायते ही जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। पाकिस्तान जन्मा है, उसका जन्म हुआ, इसलिए मुझे लगता है उसका अंत नजदीक। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और उन टुकड़ों में पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई केवल भारत के अंदरूनी ताकतों में परिवर्तन करने की नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत एक समग्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश की सेनाएं, हमारे देश की सरकार, हमारे देश का समाज, हमारे देश के राजनीतिक लोग सभी एक